कैसे हैं स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्नावली 13.1 चैप्टर है ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसके 1 से लेकर 8 तक प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें खंभा दिया है जिसकी ऊँचाई हमें दी है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर और इस खंभे की हमें लंबाई दी है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई एक खंभा है, ठीक है। इसकी ऊँचाई हमें दी है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर और ये जो छाया आ रही है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस छाया की लंबाई दी है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके हमें 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसी समय पर ज्ञात कीजिए यदि खंभे की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर के स्थान पर 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर हो तो छाया की लंबाई क्या होगी। और पार्ट 2 में हमसे कहा गया उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको काम करना है। ये जो ऊंचाई खंभे की दे रखी है मीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको हमें प्लस करना है। अब इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे, तब इनको जोड़कर हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इस पूरी ऊंचाई को हम या तो मीटर में लिखें या फिर सेंटीमीटर में लिखें। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको या तो मीटर में लिखें या सेंटीमीटर में लिखें। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो खंभा दिया है उसकी ऊंचाई लिख लेते हैं। क्या दिया है ऊंचाई में, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, या तो मीटर को हम सेंटीमीटर बना लें या फिर सेंटीमीटर को मीटर बना लें, तब हम इसको एक ही राशि में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा, ठीक है। 5 मीटर को मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, तो 5 को मैं 100 से गुणा कर दूँगा तब ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है। और प्लस लगाऊंगा, फिर ये 60 सेंटीमीटर लिख लूँगा यहाँ पर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, इन्हें जोड़ लेते हैं। 5 गुणा 100 कितना होता है, 500, तो ये 500 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 560 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छाया की लंबाई की। तो छाया की लंबाई हमें क्या दे रखी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी मुझे अब क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में ही लिख लेना है। तो 3 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिलेगा, 3 गुणा 100 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसमें दिया हुआ, खंभे की ऊंचाई है 560 सेंटीमीटर और छाया की लंबाई 320 सेंटीमीटर। अब पार्ट 1 में हमें खंभे की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में ही व्यक्त करना है। तो 10 को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिलेगा, 10 गुणा 100 1000 होता है, 1050 हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट 1 में हमें खंभे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1050 सेंटीमीटर, पूछा है हमसे छाया की लंबाई, तो यहाँ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पार्ट 2 में हमें छाया की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, पूछा क्या है, खंभे की ऊंचाई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पार्ट 1 पर आते हैं। तो पार्ट 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें खंभे की ऊंचाई दे रखी है जो हमने सेंटीमीटर में निकाली है 560 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें खंभे की ऊंचाई दे रखी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ठीक है, और इधर लिखेंगे छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, क्लियर है। पहले जो हमें खंभा दिया है उसकी हमने ऊंचाई सेंटीमीटर में निकाली है 560 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस खंभे की छाया की लंबाई हमने निकाली 320 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर हमें पार्ट वन में खंबे की लंबाई दे दी गई है 1050 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हमने सेंटीमीटर में व्यक्त की है। हमसे पूछा गया है छाया की लंबाई क्या होगी। तो अब आप एक बात बताइए, जब 560 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है और उसकी छाया की लंबाई 320 सेंटीमीटर है, तब 1050 सेंटीमीटर अगर ऊंचा खंबा होगा तो छाया की लंबाई कितनी होगी, 320 से कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, होगी या नहीं? 560 से यहाँ पर हुआ 1050, मतलब यहाँ की राशि बढ़ी है और इधर की भी राशि बढ़ रही है, तो ये हो गया सीधा समानुपात। अगर हम इसको x1 बोल दें और इसको x2 बोल दें, इसको y1 बोल दें, इसको y2 बोल दें, y1 और y2, तो इनमें क्या संबंध होता है सीधा समानुपात में? x1 का y1 से जो अनुपात होता है वही अनुपात होता है x2 का y2 से। कहने का मतलब है x1 बटा y1, ये हो गया x1 का y1 से अनुपात, ये बराबर होगा x2 का y2 से अनुपात, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान रख लेते हैं x1 हमें कितना दिया, 560 बटे y1 कितना दिया है, 320 बराबर x2 हमें कितना दिया, 1050 बटे y2 हमें कितना दिया है, नहीं दिया, निकालना है, तो यहाँ y2, ठीक है। अब अगर कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 32 चार बार में हो जाएगा और 8 से ही 56 सात बार में हो जाएगा, तो कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 7/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई टू की 7 से करेंगे गुणा, तो ये जाएगा बाई टू गुणा 7 बराबर लगाएंगे 4 की और 1050 की करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 × 1050। हमें इसमें क्या निकालना, वाई टू निकालना है, तो वाई टू बराबर क्या होगा, 4 × 1050 और ये 7 × में, तो ये आ जाएगा बटे में 7, 7 × 1 = 7, 7 से इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 10 में देंगे तो 7 × 1 = 7, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और यहाँ बचेगा 0, मतलब है 7 से आप 1050 को भाग देंगे तो 150 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या मिला, 4 × 150, ये होता है 600 और यहाँ हो जाएगा आपका ये सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर में। छाया की लंबाई कितनी होगी, 600 सेंटीमीटर। यदि खंबे की ऊंचाई 1050 सेंटीमीटर होगी तो छाया की लंबाई 600 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको आंसर मीटर में लिखना है तो सिंपल आप इसको 100 से भाग दे दें, 100 से भाग दे दें, तो 100 से 600 6 बार में कट जाता है, तो यहाँ मिल जाएगा 6 मीटर, ठीक है। मीटर में आंसर होगा 6 मीटर और सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर। ये हो गया पार्ट वन का आंसर। अब बात कर लेते हैं पार्ट टू की। तो पार्ट टू में स्टूडेंट्स हमें दिया है छाया की लंबाई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं छाया की लंबाई, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। पहले में हमने क्या किया था, खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई, आपने क्या किया, छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई। ऐसा क्यों किया है, पहले पार्ट में हमें क्या दिया था, नीचे पहले पार्ट में हमें दिया है खंभे की ऊंचाई, ठीक है, और छाया की लंबाई पूछी है। दूसरे पार्ट में हमें छाया की लंबाई दी है, खंभे की ऊंचाई पूछी है, तो हम क्या करेंगे, पहले छाया की लंबाई लिखेंगे। तो छाया की स्टार्टिंग में लंबाई कितनी निकाली थी हमने, 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस मीटर को, छाया की जो लंबाई दे रखी मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 5 × हम 100 से कर देंगे, तभी हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमें दी थी 320 सेंटीमीटर, जो भी कंपेयर हम करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमें दी ना ये वाली, ठीक है, दोनों इनसे ही कंपेयर करेंगे हम दोनों पार्ट्स में, है ना। तो छाया की लंबाई 320 सेंटीमीटर थी शुरू में और इस खंभे की ऊंचाई क्या थी उस समय, ये थी 560 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टार्टिंग में 320 लंबाई थी खंभे की और ऊंचाई थी 560।
अब छाया की लंबाई हमें 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसकी खंभे की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए 320 सेंटीमीटर छाया की लंबाई होने पर खंभा है हमारा 560 सेंटीमीटर ऊंचा, सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ। तो 500 सेंटीमीटर अगर छाया की लंबाई होगी तो खंभा क्या होगा, 560 सेंटीमीटर से ऊंचा होगा या फिर नीचा होगा। छाया की लंबाई है तो छाया की लंबाई ज़्यादा है तो खंभे की ऊंचाई भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर, यहाँ पर भी राशि बड़ी है, यहाँ पर भी राशि बड़ी, सीधा अनुपात है। तो इसे एक्स वन मान लो, इसे एक्स टू मान लो, इसे वाई वन मान लो, इसे वाई टू मान लो। तो एक्स वन का वाई वन से जो अनुपात है वही एक्स टू का वाई टू से अनुपात है। मान रख लेते हैं एक्स वन हमें दिया है 320 बटे में वाई वन हमें दिया है 560 बराबर एक्स टू हमें दिया है 500 बटे में वाई टू हमें निकालना है। तो वाई टू यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 8 से 8 4 32 और 8 से 8 7 56 तो चारों डे 7 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई टू की गुणा 4 से करेंगे बराबर 500 की गुणा 7 से करेंगे, तो 500 × 7 ठीक है, हमें निकालना वाई टू। तो वाई टू बराबर 500 × 7 और ये 4 गुणा में, तो ये चला जाएगा बट्टे में, 4 से भाग दे देंगे, 4 × 1 = 4 एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 दो बचेंगे 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 तो हमें मिल गया यहाँ पर 125 × 7 तो 7 × 5 = 35 5 × 3 = 7 × 14 = 3 17 + 7 = 1 7 × 7 = 8 875 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में बताना आंसर तो आप क्या करेंगे, 875 को 100 से भाग दे देंगे, 2 0 है नीचे तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 8.75 एक दो अंक हो गए, यहाँ दशमलव आ जाए, मतलब 100 से जब 875 भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा और ये होगा मीटर में। तो आप चाहे ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर, दोनों ही आंसर सही हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।